लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सानिया जैन। आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निजी कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे, मीडिया से की कई विषयों पर चर्चा। इंदौर विजयनगर पुलिस ने एक बार फिर एडवाइजरी कंपनी पर कसी नकेल। डॉलर रिसर्च एडवाइजरी कंपनी ने इंजीनियर को लगाया था 9 लाख का चूना, एक गिरफ्तार। गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में गणेश पंडाल लगना शुरू हुए, थाना प्रभारी के पास पंडाल लगाने की अनुमति के लिए पहुंच रहे आयोजक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हालिया दिनों में दिल्ली में सभी सदनों के पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी प्रमुखों ने अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई कि वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सत्रों की संख्या घट रही है, साथ ही सत्रों में चर्चा भी नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि नए विधायकों को मौका दिया जाए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी धारा 370 को लेकर बयान दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार सदन में कई भी विधेयक लाती है, उस पर सर्वसम्मति का प्रयास करती है। सभी सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। विधानसभा लोकसभा जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जिससे कि कम खर्च और अधिक काम इस कार्य मंत्रणा को शुरू करने का प्रयास करें। राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ, कैसा देखते हैं लोकसभा के अंदर सरकार जो भी विधेयक लाती है उस पर सर्वसम्मति का प्रयास होता है, क्योंकि हर सदस्य को अभिव्यक्ति है और लोकतंत्र की यही पहचान है कि सहमति असहमति दोनों पक्ष सदन में रहते हैं। और जिस विधेयक की आप चर्चा कर रहे हैं 370 की, उसमें सदन पर सार्वजनिक तरीके से चर्चा हुई, मत विभाजन हुआ और मत विभाजन के बाद जो निर्णय हुआ उसका सरकार ने कानून बनाया, और कानून हर देश के लिए अच्छा कानून होता है, और ये कानून भी हमारे देश के लिए एक संविधान एक देश, जिसकी वर्षों से लोग मांग कर रहे थे, वो कानून अमल में लाया गया। इंदौर विजयनगर पुलिस ने एक बार फिर एडवाइजरी कंपनी पर नकेल कसते हुए डॉलर रिसर्च एडवाइजरी कंपनी द्वारा फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 9 लाख रुपए की ठगी कर धोखाधड़ी देने के मामले में संचालक रवि मेहता को गिरफ्तार किया है। इंदौर विजयनगर पुलिस ने डॉलर रिसर्च एडवाइजरी कंपनी पर देर शाम दबिश देकर कंपनी संचालक रवि मेहता को अपनी गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रभात ऋषिराज एडवाइजरी फर्म में पैसे दोगुना करने का लालच देकर 9 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद फरियादी ने थाने पर शिकायत की थी। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने दबिश देने के बाद संचालक रवि को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं एडवाइजरी ऑफिस से कंप्यूटर सिस्टम व कई अन्य सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर में युवतियों को जॉब देकर लोगों को ठगी की वारदातों का अंजाम दिया जा रहा था। वहीं एडवाइजरी के पीछे और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जल्द ही इस पूरे मामले में पुलिस कई और बड़े खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बॉम्बे से एक फरियादी आया था जो बता रहा था कि उससे कुछ महाराष्ट्रीयन भाषा में बात करके, उसकी मीठी मीठी बातें करके उससे निवेश के नाम पर लगभग 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए एडवाइस के नाम पर, और पैकेज के भी लालच दिए थे। फिर बाद में जब कुछ उसमें निवेश नहीं किया और निवेश नहीं करके उसने पैसे जब वापस मांगे तो दिए भी नहीं, फिर फ़ोन ब्लॉक कर दिया। बाद में जब उसके रिश्तेदारों ने यहाँ की तलाश की तो मिला नहीं, फिर बाद में एक दो बार मिला तो उसने बोला कि मैं 2 दिन में देता हूँ, 2 दिन बाद फिर गायब हो गया। और आज जानकारी मिली थी कि वो ये अपनी कंपनी बंद करके जाने वाला था, इसी उसमें उसने OLX पे ऐड दिया था, और OLX को जो सामान
टाइम पे पुलिस ने रेड मारी और रेड मारकर उसको गिरफ्तार किया और कार्रवाई की। सर किसे गिरफ्तार किया? फरियादी जो सारस्वत नाम का है, एक्चुअल में जो बम्बई में फेसबुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आरोपी का नाम है रवि भगवान दास मोहता, जो यहीं इंदौर में रहने लगा, मंसूर का मूल रहने वाला। सर क्या क्या वहाँ पर मौके से मिला, बरामद किया गया? वो कुछ CPU है, मोबाइल्स है, कंप्यूटर इत्यादि जब्त किए, इसी में जब्त किए बहुत सारी। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर शहर में गणेश पंडाल लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने थाना प्रभारी को ही गणेश पंडाल की अनुमति देने के अधिकार दिए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में थाना प्रभारी के पास गणेश पंडाल की अनुमति लेने क्षेत्र के गणेश पंडाल के आयोजक पहुंच रहे हैं। इसी तरह की एक बैठक का आयोजन द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गरबा पंडाल के आयोजक थाना प्रभारी के साथ पहुंचे और परमिशन के लिए आवेदन दिया। वहीं थाना प्रभारी ने पंडाल में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इसके बारे में बताया। उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था, पंडाल के आसपास CCTV कैमरे आदि के बारे में पंडाल आयोजकों को जानकारी दी, उसी के आधार पर अनुमति भी देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। गणेश उत्सव के संबंध में जो जो गणेश स्थापना करते हैं और इधर मेला भी होता है द्वारकापुरी में, सभी लोगों को बुलाया आयोजकों को और उनको जो भी निर्देश है भ्रष्ट अधिकारी से और कार्यालय से और जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश है उस संबंध में अवगत कराए हैं। सर जो पंडाल रहते हैं उसमें CCTV की व्यवस्था और अत्यादि के भी जो नियम लागू किए जाएंगे इस तरह से? हाँ, CCTV कैमरे वगैरह लगाने के लिए भी बताया जाएगा, रोडों पर ना लगाया जाए, रोड छोड़ा जाए लोगों के लिए, आम रास्ते पे ना लगाई जाए, पार्किंग के लिए भी रहेगा। धार महू लोकसभा भाजपा सांसद छतर सिंह दरबार ने नर्मदा बचाव आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। दरबार ने कहा कि नर्मदा बचाव आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, किसी मजबूत हाथों के बलबूते पर चलता है। संगठन को विदेशी ताकतें पैसा पुराती हैं, इस संगठन के कार्यकर्ता विदेश से आते हैं। वहीं जब इस बात का पता सत्याग्रह कर रहे लोगों को चला तब बहुत हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने छतर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सांसद को जवाब देते हुए नर्मदा बचाव कार्यकर्ता ने सांसद से संपर्क किया, तभी वॉइस रिकॉर्डिंग में सांसद अपने बयान से पलटते नजर आए। सांसद एकाएक बदल गए, उन्होंने कहा कि मैंने तो आदिवासी संगठन माधुरी बड़वानी के संगठन को लेकर कहा था, वहीं मेधा पाटकर से बात की और कहा कि आपको किसी ने गलत खबर दी है। फिर रिपोर्ट, News 29 इंडिया। हेलो हेलो, हाँ हेलो, दादा से बात कर रहा हूँ। दादा मैं रोहित बात कर रहा था इकलवाड़ा से। हाँ बोल लो रोहित। वो आपका भी स्टेटमेंट था नर्मदा बचाओ आंदोलन को ऊपर लेकर, वो क्या सही है? कौन सा? कि नर्मदा बचाओ आंदोलन विदेश नीतियों से चल रहा है? नहीं, गलत है। गलत है? गलत है। नहीं, ये ETV भारत ने चलाया है कि ये? वो गलत चलाया, हम तो माधुरी के बारे में बोल रहे थे। माधुरी जो है कोई वो आदिवासी संगठन का काम करती ना वहाँ पे अपने बड़वानी एरिया में। हाँ, उसके बारे में बोले। अच्छा ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। आंदोलन जो गरीब किसानों का आहिर हो रहा उस पक्ष में हूँ, पर उस आंदोलन पक्ष में नहीं हूँ। उस आंदोलन में कुछ राजनीति है, कुछ विदेश नीतियाँ भी उसमें काम कर रही है, कुछ विदेश के एजेंट भी उसमें है जो देश को विकास की ओर रोकना चाहते हैं, ये भी उसमें थोड़ी थोड़ी सी झलक आती है। उस आंदोलन के पक्ष में जो शुद्धतया किसान के हित में काम करे, जिसमें अब देखिए ये चीज तो जैसे विदेशी नीतियां कुछ हो तो निश्चित आप केंद्र में मोदी जी हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश में करिश्मा करके दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं सुजुंदर उनके खिलाफ चलता रहता है। उनका तो नारा ये यार, आप समझने की कोशिश करो, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें सब थ्योरी आ गई। कोई प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, सर्वहारा विकास वही भारत का विकास। आज हम लड़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से नर्मदा को बचाने के लिए, और वो हमारा जो अधिकार है पुनर्वास नहीं हो रहा है, किसी का पुनर्वास नहीं हुआ है, काफ़ी लोग बचे हुए हैं, किसी को जो जिन्होंने इनको कमीशन दिया है जो दलालों को और अफसरों को, उनका थोड़ा पुनर्वास कर दिया,
बाकी जिन्होंने कमीशन नहीं दिया, जो वास्तविक डूब में आ रहे हैं, वो लोग कमीशन देने वालों में से नहीं है। जो जिनको पात्रता नहीं थी, उन लोगों को इन्होंने मुआवजा दे दिया कमीशन लेकर के, और जिनकी हमारे लोगों की पात्रता है और उनसे भी कमीशन मांगने की कोशिश करते हैं कि कमीशन देने को अगर अपन जाएंगे वहाँ ऑफिस में कि भाई आए कमीशन आप 20% ले लो और हमको हमारा मुआवजा दे दो, तो ये फटाफट मुआवजा दे देते हैं। ऐसे कई लोगों को इन्होंने कमीशन लेकर के मुआवजा दिया, और इसमें 50% लोग काफ़ी रह गए हैं जिनको, जिनके पास 20 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, 15 एकड़ ज़मीन डूब रही है, उनको 5 एकड़ का मुआवजा दे रहे हैं, बाकी ज़मीन फ्री में इन्होंने अपने नाम पर कर ली। और जो जिनके नाम पर 20 एकड़ ज़मीन थी जो डूब में आ रही है, वो NVDA ने खुद के नाम से और उनका नाम कम कर दिया है खातेदारों का। कितने दिनों से बड़दा में बैठे हुए, क्या करोगे आगे अगर शासन नहीं मानेगी? आगे जो होगा वो होगा, जो समय आएगा वो डूबेंगे, इसके अलावा वहाँ भी बैठेंगे, गाँव में बैठेंगे तो वहाँ भी डूब रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थापूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर इच्छापुर जनपद कार्यालय सभाकक्ष में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि सितंबर माह में आने वाले धार्मिक कार्यक्रम को लेकर शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थापूर्ण तरीके से मनाया जाए। शासन के विभाग अपने अपने स्तर पर सेवाएं देने तत्पर रहे। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार RS मरावी की मौजूदगी में संपन्न हुई। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 9 सितंबर को ढोल 11, 10 सितंबर को मुहर्रम, 11 सितंबर को ओणम, 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 29 सितंबर को नवरात्रि, 6 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 8 अक्टूबर को विजयदशमी आदि धार्मिक त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इच्छावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम में इसके संबंध में शांति समिति सदस्यों को बुलाया है, और उसमें हमारे जो संबंधित प्रशासन को से विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए थे, उनको सभी को साफ सफाई, बिजली व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सभी को निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान कोई खास मुद्दे की बात है? मुख्य रूप से समिति सदस्यों ने बताया कि साफ सफाई हो, बिजली के पोल्स जो लाइनें हैं कई जगह नीचे ऊपर हो जाए, इसके संबंध में बिजली विभाग को सारी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो तत्संबंध में उचित कार्रवाई करें। सर, कहीं ना कहीं बैठक लेट हुई, अधिकारी जो लोग आए थे मीटिंग में वो कुछ जाने लगे मीटिंग छोड़ के, क्या कारण रहा? ऐसी कोई बात नहीं, 12 बजे की सूचना दी गई थी और 12 बजे करेक्ट हमारी मीटिंग चालू हुई, ऐसे कोई लेट नहीं हुआ, 12 बजे ही मीटिंग रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।